पिशावर बड़ी तबाही से बच गया है। सदर के इलाके कालीभाड़ी में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका खड़ी गाड़ी में हुआ। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। आपको बता रहे हैं कि पिशावर में ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका खड़ी हुई गाड़ी में हुआ। पिशावर बड़ी तबाही से बच गया। सदर के इलाके कालीभाड़ी में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका खड़ी गाड़ी में हुआ है। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। पिशावर से आपको खबर दे रहे हैं राहम यूसुफ जई, मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। राहम, बताएगा मालूम हो सका धमाका किस नौयत का था? जी बिल्कुल, हम इस वक्त वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे सुबह अफसोसनाक वाकया पेश आया। पिशावर सदर का ये इलाका कालाबाड़ी कहलाता है। यहाँ पे जो कि 8:45 पर यहाँ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका हुआ, जो कि 86 करोला वाइट कलर की करोला गाड़ी यहाँ पे आई खड़ी, और उससे जो ड्राइवर था वो थोड़ी देर दूर जाकर 4 से 5 मिनट बाद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो उस गाड़ी में धमाका हुआ। इस वक्त तमाम तहकीकती इदारे जो है उस यहाँ पे मौजूद है, जितने भी शवाहद है वो यहाँ पे इकट्ठे करने का सिलसिला जारी बदस्तूर जारी है। जो ताना यहाँ पे वो गरबी का ताना है, यहाँ पे इसके चंद मीटर के फासले पर ये धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक इत्तला के मुताबिक 6 अफराद जख्मी है, जिसमें 2 खवातीन शामिल है और 4 मर्द शामिल है। तमाम जख्मियों को यहाँ से पहले कैंट अस्पताल और फिर इसके अलावा जो है इसके बाद लेडरिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पे अस्पताल इंतजाम के मुताबिक उन तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है और उनमें से 2 जो है जख्मियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। इस वक्त यहाँ पे जाए कुआ पर CCPO पिशावर और SSP ऑपरेशन पिशावर यहाँ पे मौजूद है। जगह जाए वकुआ के यहाँ पे तहकीकाती इदारे भी है और तमाम तर शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उस गाड़ी के पुर्जे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, और गाड़ी जिस वक्त धमाका हुआ वो गाड़ी अपनी जगह से कोई 15 से 20 मीटर दूर जाके उनका इंजन गिरा है। तो और अगर नुकसान की नियत का अंदाजा लगे तो यहाँ पे ना सिर्फ दुकानों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि यहाँ पे मौजूद जितने भी घर है वहाँ पे आसपास के इलाकों में उनको भी। जी ठीक है राहम, आप हमारे साथ ही रहिएगा।